मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 13 चतुर्भुज की रचना करेंगे। 13A क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। एक चतुर्भुज ABCD बनाइए, दिया है AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर, CD बराबर 7 सेंटीमीटर और AD बराबर 4.4 सेंटीमीटर। पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे चतुर्भुज का, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या है हमारा, AB बराबर 5 सेंटीमीटर। आप लोग स्केल से नाप कर बनाएंगे, AB बराबर 5 सेंटीमीटर। एक लाइन खींचेंगे स्केल से नाप कर 5 सेंटीमीटर की, इसका नाम रख देंगे AB। फिर इसके बाद प्रकार की सहायता से प्रकार लेंगे, प्रकार की सहायता से A पर रखेंगे और ABCD D पर AD का कितना माप है हमारा, 4.4। तो हम प्रकार में 4.4 की दूरी माप लेंगे और A को केंद्र मारकर उसमें एक चाप मारेंगे। फिर उसके बाद BC का माप दिया है आपको 3.5 का। अब प्रकार की नोक हम यहाँ रखेंगे, 3.5 सेंटीमीटर की दूरी ले लेंगे ऐसे, फिर एक चाप लगाएंगे। फिर इसके बाद B को C से A को D से मिला देंगे और C को केंद्र मानकर प्रकार की नोक रखकर एक चाप हम ऐसे लगाएंगे जो हम C से D को मिलाएंगे। तो इसमें AC बराबर कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। AC बराबर ये दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर। तो BC कितनी थी हमारी, 3.5 सेंटीमीटर। TC कितनी है, 7 सेंटीमीटर और AD 4.4 सेंटीमीटर। आपको स्केल से नाप कर बनाना है और प्रकार की सहायता से बनाना है। अब हम रचना करेंगे डायग्राम के अनुसार। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया था, जैसे जैसे हम वर्क करते हैं डायग्राम बनाते हैं वैसे वैसे हम रचना लिखते चले जाते हैं। सबसे पहले हमने किया था सर्वप्रथम AB बराबर 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची। सेकंड पॉइंट हमने किया था A पर प्रकार की नोक रखी थी, तो उसको लिखते हैं A को केंद्र मानकर मानकर 4.4 सेंटीमीटर का D पर चाप लगाया। थर्ड पॉइंट सेम A की तरह, फिर हमने B को केंद्र मानकर 3.5 सेंटीमीटर का C पर दूसरा चाप लगाया। फोर्थ पॉइंट है हमारा, A को D से मिलाया, D और B को C से मिलाया। बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे जैसे हम डायग्राम बनाते हैं वैसे वैसे हमें रचना करनी होती है। फाइव पॉइंट में हमने क्या किया था, C को केंद्र मानकर D पर चाप लगाया। सिक्स पॉइंट, C को
डी से मिलाया 7 पॉइंट ए बी सी डी ए चतुर्भुज ये रचना हो गई। बाकी के क्वेश्चंस आपको सेंड करूंगी और उस पर डायग्राम में सारे बना कर दूंगी सारे क्वेश्चंस के, बट आपको रचना खुद करनी है, स्वयं करनी है, सभी की रचना सभी क्वेश्चंस की आपको ही करनी है।